what was the need to mention my name at a literature festival? I'm not an author. मेरा कोई लेना देना नहीं है. ऑल्सो यू सेड कि मेरी वजह से यूथ खराब हो रहा है, छुप छुप के लोग मेरे पोस्ट देखते हैं. अरे आप तो चलो, आप तो बड़े हो, यूथ छोड़ो, आप तो मेरी अंकल की उम्र के हो, सबके मतलब यूथ के अंकल की उम्र के हो, बाप की उम्र के हो. आप शादीशुदा होने के बावजूद अपने से आधी उम्र की लड़कियों को क्यों मैसेज कर रहे थे? तब कुछ खराब नहीं हो रहा था आपका, ना आपकी शादी खराब हो रही थी, ना आपके बच्चे खराब हो रहे थे, तब मैं ये सब हरकतें करके. अंडरस्टैंड वन थिंग, वट वॉज द नीड टू मैंशन माई नेम एट अ लिटरेचर फेस्टिवल? आई एम नॉट एन ऑथर. मेरा कोई लेना देना नहीं है. ऑल्सो यू सेड कि मेरी वजह से यूथ खराब हो रहा है, छुप छुप के लोग मेरे पोस्ट देखते हैं. अरे आप तो चलो, आप तो बड़े हो, यूथ छोड़ो, आप तो मेरी अंकल की उम्र के हो, सबके मतलब यूथ के अंकल की उम्र के हो, बाप की उम्र के हो. आप शादीशुदा होने के बावजूद अपने से आधी उम्र की लड़कियों को क्यों मैसेज कर रहे थे? तब कुछ खराब नहीं हो रहा था आपका, ना आपकी शादी खराब हो रही थी, ना आपके बच्चे खराब हो रहे थे, तब मैं ये सब हरकतें करके. Oh yeah, I'm launching my NFT on 19th, so usi ka event hai, so I'm here for that. So what is this event is all about? Will you like to share something? NFT, like a non-fungible token. So I'm launching my own collection of NFTs, and we are just having a pre-launch event, and that's it. And launch is on 19th. Well, हाल ही में देखा हमने कि उर्फी के ऊपर बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं. कुछ कहना चाहोगी? रिसेंटली हिंदुस्तानी भाओ ने भी बहुत कुछ. No comments on that. Would you like to say something on that? That's no comments on that. Thank you. As well as what you would like to say about today's attire, although you have a different collections every now and then. I just want to say कि मैं सुधरने को भी तैयार नहीं हूँ. So that's it. मुझे अभी कोई नहीं सुधार सकता है. मेरा पुलकी पेन अच्छा लगता है, वो तो मुझे पता ही है. ये इनको कैमरे के सामने लेके आओ, इनका आंसर दिखाना है मुझे, है ना? थैंक यू सो मच. जब आप सुधारने की बात कर रही है, तो अगर आपको आपका अटायर इतना पसंद है, तो फिर सुधारना क्यों है? कुछ कहना चाहोगी इस बारे में? ये तो आपको पता होना चाहिए, घर जाके होमवर्क करके आना, समझ जाओगी मैंने क्यों क्या बोला है. Any of your project which you would like to share? Splitsvilla is coming. You guys can watch me on Splitsvilla. Now I can talk about it. So yeah. Splitsvilla में साथी हम देख रहे हैं कि एक जगह मास है, एक जगह विनस है, जो दो एक अलग-अलग विलास बनाए गए हैं. क्या कुछ आपके कनेक्शंस बने हैं? अगर आप बताना चाहो. यार देख लो यार, मैं मुझे शर्म आ रही है कुछ बोलने. But it was fun. You guys will not expect कि मतलब उर्फी को डू समथिंग लाइक दैट. शादी हर साल हम स्पिट्सविला में देखते थे कि ओरेकल हमेशा से हर किसी का गेम चेंज करता था. इस साल क्या कुछ गेम चेंजेस होंगे, और इस बार ओरेकल में क्या कुछ डिफरेंट देखने? इस बार उर्फी ने ओरेकल का ही गेम चेंज कर दिया. उर्फी जी बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, आई एम फॉलोइंग स्पिट्सविला नाउ. बस स्प्लिट्सविला के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप हिंट दोगे, अगर कैसा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, क्या कुछ, तो फिर ऑडियंस अट्रैक्ट होगी. दिस इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट craziest Splitsvilla. That's, I mean, it's crazy. इस बार इतना कुछ अलग है ना, that you guys cannot imagine. I mean, and come on, I'm there. So can you imagine मैंने क्या क्या किया है वहाँ पर? माई आउटफिट्स, लाइक टास्क चल रहा है एंड आई एम ओनली कंसर्न अबाउट माई आउटफिट्स. बीच पर मैं हील पहन के, यू नो, ऐसे तो जा रही हूँ, एंड आई एम लाइक आई ओनली परफॉर्म इफ माई आउटफिट मैचेज द टास्क. वेल, फर्स्ट एपिसोड में तो हमने देखा था, एंड उसमें देखा कि सनी एंड सभी ने टास्क दिया था जहाँ पे रोजेस देने हैं. सो ऐसा ही, आई वाज नॉट देयर इन द फर्स्ट एपिसोड. आई विल बी एंटरिंग नेक्स्ट वीक. व्हाट विल बी द धमाकेदार एपिसोड? यार अभी बता दूँ तो धमाका की वो फुसकी बन जाएगी यार. देखो उर्फी सनी जी ने भी आपकी कुछ तारीफ की थी. She's so cute, she's so sweet, yaar. Matlab, she was so nice to me on the show, I cannot even tell you. And she's just, I was like, when I met her, I was like, you know, she'll show me attitude, ki ye hogi Urfi apni jagah. But she was just like, Urfi, I'm your fan, I love you. And I'm like, did Sunny say that? She's so cute, she's very sweet. Sweetheart. Well, last but not the least, ये सवाल सभी जानना चाहते हैं. अब तक के मेरा बच्चा कब हो रहा है, मेरी शादी कब हो रही है? उर्फी के इतने फैंस है, हर कोई लाइक उर्फी के लुक से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है. लेकिन जब सोशल मीडिया पे इतना कुछ धमाके हो जाए और उर्फी बोले कि नो कमेंट्स, तो ये तो नहीं बनता है. तो प्लीज़ उर्फी, अगर आप कुछ कहना चाहो. किसके बारे में?
रिसेंटली जो हिंदुस्तानी भाव कह रहे हैं कि यार अगर आप सही हो तो फिर कुछ तो नहीं. इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग ऑन एवरीवन हु हैज अ प्रॉब्लम विद व्हाट आई पुट ऑन माय बॉडी फिर तो कुछ हो. आई एम श्योर आपके रिश्तेदार है जो आपको बोलते होंगे कि आप काम मत करो, जीन्स मत पहनो. आप सबको रिप्लाई देती हो? नहीं देती हो ना. आप अपना काम करती हो क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो. आपके भी कुछ घर वाले होंगे जो आपको बोलती हो कि माइक लेके चली जाती हो, क्यों ऐसे करती हो, जीन्स क्यों पहनती हो, व्हाई यू बीइंग अ गर्ल. जस्ट एक लड़की होना ही अपने आप में प्रॉब्लम है, एंड स्पेशली व्हेन यू योर सेल्फ. एंड द डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी को जीन्स टॉप नहीं पसंद है, किसी को स्कर्ट टॉप नहीं पसंद है. हम हर किसी को प्लीज करने नहीं जा सकते. But what about the viewers? Viewers, they are thinking good about you, but the people are saying, and if Urfi doesn't say that, what that means? मुझे उर्फी हर बार जो कमेंट आते थे वो कुछ अलग होते थे, बट इस बार जो हिंदुस्तानी भाव की तरफ से आया है वो बहुत ही अलग है. सो आपके जो फैंस हैं उनके भी फैंस हैं जो आपके वो चाहते हैं कि आप. बट क्या कमेंट आए, क्या कमेंट आए वो आपको खुद पता है उन्होंने क्या बोला? बिकॉज़ आपको नहीं पता. मुझे नहीं, आई डोंट नो, पर आई थिंक जो बोला था मैंने उसका जवाब दे दिया था. एंड दैट्स इट, आई डोंट वांट टू ड्रैग इट. आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट अ क्राइम, बट इफ यू आर थ्रेटनिंग समवन कि वो, दैट्स अ क्राइम. दैट्स इट. ये मेरी बहन को देख के इतना ब्लश करता है, मुझे पूछे इसका बॉयफ्रेंड है यही पे. मैंने कहा वो आ रहा है पीछे से, वो जो छह फीट का आदमी है. इसको असली बहुत पसंद है, असली को देख के शर्माता है. याद है ना असली? असली डन. थैंक यू. बाय गाइस. बैंड्रा में अभी पता है कितना कंट, मैं वही सोचो कि कभी थोड़े थोड़ा डिफरेंस है तो मैं यही देखती हूँ कि हर बार ही आते हैं, आज इसकी शक्ल डिफरेंट लग रही है, आज इसकी शक्ल अलग लग रही है. तो ये मोटा है ना, लेकिन दोनों लेट ही आते हैं. पर ये सोचती थी कि मतलब कैसे इतनी जल्दी गेन और वेट लॉस कर लेते. आज मिस्ट्री क्लियर. लेकिन दोनों लेट ही आते हैं. हां लेकिन दोनों लेट आते हैं, ये बात सच. लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, लेट आने. थैंक यू. कुछ तो काम अंत है. डन डन. थैंक यू मैम. बाय. तो वेट.